सात में पूर्ण कक्षा आठ विषय हिंदी और उसकी कविता चार उपधारा के अमर सपूत समूह गान करने जा रहे हैं। उपधारा के अमर सपूत इस कविता में उठो धरा धरा यानी धरती धरती माता को आह्वान करके ये कविता बनाई गई है। इस कविता का साहित्य स्वरूप है समूह गान या संघ गान और इस कविता के कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी प्रकृति से तत्वों से प्रेरणा लेकर प्रकृति कुदरत ने हमें बहुत सारी प्रकृति दी है और उससे उस प्रकृति में से अपने को प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग करके सब देशवासियों के देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश इस कविता से हमें मिलता है। उठो जरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति का नव प्राण भरो। उठो उठो यानी खड़े हो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अपना देश जब गुलामी में बंधा हुआ था उसके बाद अपने देश को जब आजादी मिली तभी इस कविता के द्वारा कवि अपने को कहते हैं कि अब अपने देश अपने हाथ में है अपने देश का नव निर्माण करने आए अपने देश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके लिए अपने शरीर में सपूतों यानी अपने कुल का उद्धार करने वाले पुत्र को सपूत कहते हैं। उठो सपूतों और अपने देश के लिए कुछ अच्छा कार्य करो अपने देश का नव निर्माण करो। यहाँ कवि कहता है कि भारत माता के पुत्रों अमर सपूतों न मरने वाले अमर यानी जो मरता नहीं है उसे अमर कहा जाता है। पुनः नया निर्माण करो गुलामी की रात बीत गई है और आजादी का सवेरा हो चुका है अब तुम अपने अज्ञान और आलस्य को त्याज कर और अपनी नींद से जाग कर अपने देश के लिए जागो और अपने देश का नीव निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन यानी हरेक देशवासी हरेक व्यक्ति के जीवन में नया नया नव स्फूर्ति यानी उत्साह स्फूर्ति आनंद और उत्साह से नई नई स्फूर्ति भरो उत्साह भरना है और नए प्राणों का संचार नए प्राण भरो यानी नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रात है नई बात है नई किरण है ज्योति नई नई उमंग है नई तरंगे नई आस है सांस नई। यहाँ पे कवि कहते हैं नई प्रात प्रातः यानी सुबह प्रात प्रात है सुबह नई प्रात है नई बात है बात भी नहीं है अपना देश गुलामी में से आजाद बन गया अपने देश को काय की जरूरत है किसकी जरूरत है अपने देश के लिए अपने क्या क्या कर सकते हैं अपने देश में लोगों को कैसे अपने आगे बढ़ा सकते हैं इसके लिए कवि कहता है कि आज़ादी की नई सुबह में सभी लोगों के मन में नए नए विचार आ रहे हैं नई नई चर्चाएँ हो रही है नए विचारों है नए किरणें हैं किरणें नई किरणें सब तरफ फैल रही है और सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। नई किरण है ज्योति नहीं है ज्योति किरण का प्रकाश भी नया है और नए प्रकाश का सब अनुभव कर रहे हैं।
लोगों के मन में नई उमंगे नई तरंगे, लोगों के मन में नई नई उमंगे हैं और नई नई तरंग, तरंग यानी नई नई लहरें हैं, नई आस है सांस नहीं, आस यानी आशा, हर एक सबके मन में नई आशाएं उग रही है और आज देशवासी खुलकर अपनी हवा में सांस, नई सांस, नई सांस ले रहे हैं, गुलामी में से छूटकर अब आजादी की सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, इस नए युग युग के मुरझे सपनों में नई मुस्कान भरो। इस युग युग से वर्षों से जो अपने आजाद गुलामी में झगड़े हुए थे उसमें से आज युग युग के मुरझे सपनों सुमनो, सुमन यानी फूल, सुमन यानी फूल, जो युग युग से अपने फूल मुरझा रहे हैं उन नए नए सुमनों में, मुरझाए हुए फूलों में नए नए मुस्कान भर दो और उसे नए फिर से खिलाना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे धरती माता के अमर सपूतों, उठो और इस देश का नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भोरे मस्त उदर मंडराते हैं। डाल डाल पर बैठा विहग, विहग यानी पक्षी, आजादी की सुबह में हर डाली पे हर पक्षी बैठा है। प्रकृति भी आनंदित है तो प्रकृति में रहने वाले जीव भी सब कैसे है, आनंदित है। पेड़ की डाली पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी आनंद दिखाई दे रहा है। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, हर एक डाल पे बैठा हुआ पक्षी अपने नए स्वरों में, आनंदी स्वर में, नए स्वर के अंदर उसके स्वरों में भी क्या है, नवीनता है। गुन 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 करते भोरे वे खुशी का कोई गीत गा रहे हैं। बागों में भोरे गुंजार करते हुए मस्ती से फूल पे मंडरा रहे हैं। फूल पे भोरा आज उधर आसपास मंडरा रहा है। और हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश के नवयुग की नूतन वीणा में, नवयुग की नूतन अपना युग नवयुग की तरफ जा रहा है और उसमें नूतन वीणा यानी नई वीणा में नया राग नव गान भरो। इस नए युग की जो वीणा बजाने वाला साधन है उसमें एक नए राग और नए गान भर दो। हे धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल, फूल मुस्काया है, हरे कली में नई उमंग है और हरे बगीचा में हरे फूल में नई नई आस है, नई उमंग है, नई किरणें, नई प्रकाश है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। कली कली खिल रही इधर वह फूल, फूल मुस्काया है, हरे फूल मुस्कुरा रहा है, सारे देश के स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। आज धरती माता जो अपने भारत देश की धरती है उसकी काया, काया यानी शरीर, आज कैसा हो रहा है, नया हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो रहा है। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से, नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। हे धरा के अमर सपूतों, अपनी वाणी से, नूतन मंगलमय ध्वनि से, नूतन यानी नया, मंगलमय यानी सुंदर, अपनी मंगलमय मीठी वाणी से इस संसार रूपी गुंजित जग उद्यान करो। इस संसार रूपी जगत में उद्यान, संसार रूपी जगत का जो उद्यान है उसको गुंजित करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुमसे है हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर अपने देश में बालकों से कवि कहते हैं, सरस्वती माँ
क्या देती है अपने को, विद्या देती है। तो अपने बालकों से कहते हैं कवि, सरस्वती का पावन मंदिर, हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है और यहाँ कल्याणकारी सारी ही विद्याएं, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। यह सब विद्याएं किसकी है, तुम्हारी है, बालकों की है। तुमसे, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से जो बालक है धरती पर, उसमें से हर एक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक भी है और पुजारी भी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत सत यानी सो दीपक, दीपक यानी दिया, सो दिया जला कर और सैकड़ों दीपक जला कर अपने नए युग का आह्वान करो। नए युग को पुकारो, नए युग को बुलावा दो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः निर्माण करो। हे भारत माता के अमूल सपूतों, इस प्रकार ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल करो, ऐसी बच्चों से विनंती करते हैं। यहाँ आपका यह काव्य पूर्ण होता है, उठो धरा के अमर सपूतों। इस काव्य में आपको शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ हो जाने के बाद गुरु कार्य में पहले तो कविता लिखनी है और उसके बाद कविता अभ्यास और स्वाध्याय विषय की नोट में लिखना है। तब तक के लिए मैं रजा लेती हूँ और आगे की पाठ आपको पढ़ने के लिए देती हूँ। आगे का पाठ आपको पढ़कर रखना है। तब तक के लिए नमस्कार।